को पावन अपनी हाथी से कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रेम क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः गोविंदाय नमो वसुदेव सुतम देवम कलशानुर्मर्दनम देवकी परमानंदम कृष्ण वन जगत गुरु कृष्ण वंदे श्री कृष्णा शरण मम श्री कृष्णा शरण मम श्री कृष्णा शरण अभाग्यशाली कल्याणकारी मेरे देवियों बड़भागी गीता के पैरोकार मेरे सज्जनों धार्मिक भाइयों कीजिए अपने मन को एकाग्र जोड़ दीजिए भगवान जी की अत्यंत मधुर एवं कल्याणकारिणी वाणी में। इन दिन एक नया प्रसंग जारी है 18वीं अध्याय के 51-52-53 श्लोक 51-52-53। भगवान जी ने अपनी गीता को संपूर्ण अपने गीता उपदेश को संपूर्ण करने से पूर्व हमारी इच्छा के अनुसार एक बड़ा अच्छा प्रसंग दिया। जीव का जल्दी कल्याण कैसे हो, इसमें भगवान ने एक संक्षिप्त रूप में कुछ क्वालिटीज बताई है या मन की अवस्था बताई है। जैसे हम कहते हैं मेरे पास एक लोहे का रॉड है, मैं इसका काबला बनाना चाहता हूं, फिर मुझे काबले के रूप में शेप देनी होगी। बिल्कुल बैन इसी प्रकार हम अब भगवान को जो जहान के अनुसार बना हुआ था भगवान की योग्य बनाना चाहते हैं, अब हमें इसे भगवान के काबिल बनाना होगा। जैसे लोहे के रॉड को हम काबला बनाते हैं तो उसको वही शेप देती है। अब मन को भी हमने रीबिल्ड करना है, रीशेप देनी है। थोड़ा सा मुश्किल होता है, बाकी रीशेप तो दी जा सकती है। मन को रीशेप देना बिल्कुल विचार बदल जाने, इरादे बदल जाने, संगत बदल जानी, दृष्टिकोण बदल जाना है, खाना पीना बदल जाना, और तो और हमारा दृष्टिकोण ही बदल जाता है। इसको कहती है इंसान में बिल्कुल इंकलाब आ जाता है, बिल्कुल ही क्रांति आ जाती है। जैसे आपके देश में 1947 में क्रांति आ गई, आपका देश आपके अपने भाइयों के हाथ में, आपका देश आपके ही हम वतनियों के हाथ में, बिल्कुल स्त्री मेरे सदनों में आगे बढ़ रहा हूं। हमने अब करना क्या है, महाराज जी के आते हैं वाणी सुनते हैं, मन को भगवान के अनुकूल बनाना। मेरी बेटी आपको ही बतलाऊं, आप शादी के बाद क्या करती हो, आपका क्या रहता है, ये अंग सिर तो वही रहता है, सारे शरीर के अंग वही रहती हैं, लेकिन आप अंदर से बदल जाती हैं। पहले था मैं इस परिवार की हूं, अब इस नए परिवार की बन के रहना है। अब आप में एक शानदार लचक चाहिए, सास के मुताबिक है, एक छोटे से शरीर को कितनों के मुताबिक रहना पड़ता है, ससुर जी के मुताबिक, ननद बड़ी चंद्री है उसके मुताबिक, छोटा देवर तो बिल्कुल ही शनिवार है, क्रोधी उसके मुताबिक, और श्रीमान जी की तो बात ही ना पूछो, बिल्कुल ही जानदा अंगारा है, बात बात में गालियां देता है उसके मुताबिक। जैसे मेरी बेटियां शादी के बाद उस नए घर के मुताबिक बन जाती हैं,
आजकल चूंकि बच्चियों में अडॉप्टिबिलिटी नहीं है इसलिए बच नहीं सकती, बड़ी जल्दी तलाक लेके आ जाती, उनमें सहनशीलता भी नहीं है। एक जो कमाई का झगड़ा आपने डाल लिया, कमाई से कुछ अहमपन आ जाता है, वाह क्यों इनकी बर्दाश्त करूं, मैं खुद इतना कमाती हूँ 3,500 है, अभी 2 महीने के बाद मेरे 300 रुपए और बढ़ने वाले, 4,000 में पैर जाएगा, मैं इनकी क्यों सहूं, सह मेरी जुत्ती। वाह भला बाप क्यों बर्दाश्त करें, धर्म में इतना अहमपन आ जाता। लेकिन जिस मार्ग पे हम चल पड़े गए, हम अपना कल्याण चाहते, हमें लाजमी तौर पर भगवान जी के अनुकूल बनना होगा। और महाराज जी ये प्रसंग जो चलाए हुए 51, 52, 53 और मुझे 3-4 दिन हो गए प्रकाश डालते हुए, देखिए जरा गौर कीजिए, हमें अपने अनुकूल कैसे बनाना चाहते हैं, जहान के अनुकूल बनते हैं यदि हमारे में काम क्रोध और लोभ आ जाए तो जहान के अनुकूल बन गए, काम क्रोध लोभ। ज्यादा से ज्यादा कामना बढ़ाओ, कुर्दीला स्वभाव खूब बना लो, ज्यादा से ज्यादा धन कमाने का भाव पैदा करो, आप जहान के काबिल हैं। अब भगवान के काबिल, भगवान जी कह रही थी कि थोड़े से गुण बताए भगवान ने जो महाराज जी के अनुकूल बन जाएगी। केवल आज के दिन आने वाले मेरे सजनों, ओ मेरी कल्याणकामी देवियों, जरा गौर से सुनना, अपना आना सफल करना, हमने जरूर महाराज जी के अनुकूल बनना है, हमने तलाक नहीं लेना, हमने संबंध विच्छेद नहीं करना, बड़ी कुर्बानी करके आप आते हैं, हम तो महाराज जी में एक मेक हो जाना चाहते हैं, जैसे गंगा सागर में समाकर एक मेक हो जाती है, हम भी अपनी जीव आत्मा को भगवान में एक मेक कर देना चाहते। सुनो गौर से, सुनो मेरी देवियों, इसी को कल्याण कहती है कि हम अपना कल्याण करेंगे। तो महाराज जी ने पहले बताया क्या गुण होता है जीव के, जीव अपने कल्याण कर जाते हैं, उनकी बुद्धि विवेकिनी बन जाती है, उनकी बुद्धि बात बात पे बता देती है उचित क्या है अनुचित। सबसे पहला गुण विवेक, अक्ले सलीम बेटी विवेक, भगवान ने कहा 51 श्लोक में, उनमें विवेकिनी बुद्धि जो बात बात बताती है मन को क्या विचार करना है क्या नहीं विचार करना। पहले उल्टे पुल्टे विचार करते रहे, अब नहीं, अब बड़ा भारी परिवर्तन जाता है विचारों में, दृष्टिकोण जो बदल गया, पहले दृष्टिकोण में जहान, अब दृष्टिकोण में जहान बनाने वाला भगवान, बड़ा भारी दृष्टिकोण, बड़ा भारी एंगल ऑफ व्यू चेंज। सुन तो, मेरे महाराज जी कृपा से लगातार आते हुए, भली आप सप्ताह में एक दिन आती हैं, विवेक जी महाराज आस्थी पाथी लगाकर आपकी बुद्धि में बैठ गए हैं, बधाई मेरे सजनों, ओ मेरी कल्याणकामी देवियों, मेरी हार्दिक बधाई, विवेक आप में बैठ गया, वरना आप रोज ना आते, हर रविवार को भी आपके आने का चित ना चाहता, वो तेरे स्थान है टाइम गुजारने के लिए, यहां तो वो आए इरादे का मजबूत दिल का कवि, जिनका इरादा बड़ा पक्का है और मन बड़ा मजबूत है। मेरे महाराज जी ने कहा वही ज्ञान के योग्य होते हैं, हमारे सरताज और मन के राजा भगवान कृष्ण कह रहे हैं मेरी देवियों, वही अपने में एक शानदार इनकलाब लाने के अधिकारी बन जाते हैं। अच्छा, इसके बाद दूसरा गुण बताया भगवान ने, बड़ा जरूरी, धीरज। भगवान के अनुकूल बनने का जरा देखिए, बड़े गौर से सुनते जाना, भगवान जरूर आपका कल्याण करेंगे। धीरज हां, धैर्य रखना, हौसला रखना, अच्छा कुवते बर्दाश्त से काम लेना, अच्छा। चूंकि मैं आपसे गुजारिश कर रहा था, भगवान ने सृष्टि तो बड़ी अजीब बनाई है, अजीब या विलक्षण या निराली का मतलब जो बात बात में बदल जाए, बात बात में बदल जाए, न एक रूप रहे, न एक रंग रहे, न एक धारणा रहे, और जिस परिवार के अंदर है वो सब सदस्य बदल जाती है। हाँ,
प्रकृति को देख लो कितनी रंग बदल रही है। हाँ, अब आप अपने में तब्दील लेना चाहते हैं, सवेरे मन में बड़ा उत्साह होता है, कुछ घंटे बाद वो उत्साह नहीं रहता। किसी समय मन में बड़ा वैराग होता है, किसी समय वैराग कुछ मंद हो जाता है। कितना धीरज चाहिए? अगर धीरज काम हो तो हम उकता जाएंगे, मेरे से नहीं मार्ग चला जाता, मैं मेरे वश की बात नहीं। आज मेरे देश में आत्महत्याएं दिन ब दिन क्यों बढ़ती जा रही है? धीरज की कमी के कारण से। और आप आपकी जाति तो अपने आप के साथ वैर कमा रही है, मरती जा रही दिन ब दिन, क्यों? धीरज में, धीरज की भावना बहुत कम हो चुकी है। धीरज की शक्ति मेरी बेटियों में बहुत ही कम, नारी जाति में बहुत कम होती जा रही है। जाने मेरे परमात्मा ऐसा क्यों? आपसे नहीं चयन होता, बस आपने एक बात पक्की कर ली, धीरज की कोई हाथ होती है, कहां तक बर्दाश्त करूं? मेरे से नहीं बर्दाश्त होता। जिंदगी गई, जिंदगी धीरज के ऊपर टिकी हुई है। याद रखना, जिंदगी बाउमीद कैमस्त होप सस्टेन्स लाइफ, तीन शब्द है, होप सस्टेन्स लाइफ, लाइफ जीवन टिका हुआ है उम्मीद पर, जिंदगी उम्मीद के ऊपर टिकी हुई है। जब आपने धीरज छोड़ दिया, शरीर ही छूट गया। तो भगवान जी ने कहा, हम जो कल्याण का कामी और कल्याण कामी है, हमें हर सूरत में, हर सीरत में, हर हाल में, हर परिस्थिति में धीरज बनाए रखना होगा। उधर देखिए, आपके प्रभु ने क्या पाठ पढ़ाया, पक्का किया आपने? पक्का किया कौन सा? जो मिल जाए लेकर वही शाद है। ये आपके प्रभु ने पाठ पढ़ाया, जो मिल जाए, जैसे हालात आ जाए, हमारी भावना शुद्ध, हम अब यथामति यथाशक्ति पुरुषार्थ करते जा रहे हैं। आगे जाने हमारे रब और जाने हमारे इष्ट देव। ये मेरा और आपका तकिया कलाम बन जाना चाहिए, मेरे और आपके होठों के शब्द ये बन जाने चाहिए। आगे प्रभु जाने, जितना मेरा वश चलता है उतना तो मैं की जा रही हूं। फिर हमारा धीरज का बांध कभी नहीं टूटेगा, हमारा धीरज का बांध बना रहेगा। बड़ा विस्तार कर चुका हूं मैं, शायद दो तीन दिन लगातार इस पर प्रकाश डालता रहा हूं। अब आपने देखना है, आज आने वालों को थोड़ी सी दुहाई कर रहा हूं, धीरज बनाए रखना, धीरज को हाथों से नहीं जाने देना मेरे भाई। है बड़ी हिम्मत, क्योंकि हालात बदलेंगे, ख्यालात बदलेंगे, माँ बाप बदलेंगे, एनवायरमेंट सराउंडिंग्स सारी बदलेंगी। जो आज आपके साथ प्यार करते हैं, चंद दिनों के बाद तकरार करेंगे, इसी को प्रकृति कहती है। लेकिन आपने तो अपना कल्याण करना है, इसलिए भगवान ने दूसरा गुण बताया, धीरज से काम लेना। चलो तीसरा, जिस पर हम कल ले रहे थे, वैराग। वैराग के अर्थ ही भगवान ने और कर दिए, जो कहीं नहीं सुने होंगे, जो वैराग की धारणा और भावना आप बनाए हुए गलत है, उसको एकदम निकाल दो बाहर। कल भगवान ने वैराग के विषय में क्या कहा, तीसरा बड़ा जरूरी गुण है वैराग। क्या? जो आंखों के पुराने विषय, कानों के पुरानी बातें, जबान का पुराना बोलना और पुराना खाना पीना, इस तरह बाकी अंगों के पुराने ऑब्जेक्ट्स, सब के सब निकाल दीजिए। पहले पता नहीं आंखें क्या क्या स्थान चाहती थी, फलानी जगह देखा हूं, फलानी सिनेमा देखा हूं, फलाना आपका चेहरा, आप अपने कपड़े, अपनी मेकअप, जरा शिमले चले, जरा पंजोर गार्डन चले, जरा कश्मीर चले, आंखें धक्के देती जा रही थी, कितने ऑब्जेक्ट्स थे। और कान कैसे कैसे गीत गंदे बंदे सुनते थे, बिल्कुल अश्लील गीत, अभद्र गीत। हाँ, कैसे हमारा हाल था, अब नहीं, अब उनमें बड़ा अंतर आ जाएगा, बड़ा भारी अंतर आ जाएगा। अच्छा, बड़ा भारी अंतर, सुनिए जरा गौर से, थोड़ी देर के लिए आप तशरीफ लाती है, बड़े गौर से सुन लीजिएगा। ये सारे एकदम, अब वो पुराने दृश्य देखने का दिल नहीं करेगा,
हमारा मन आपके चेहरों पे लट्टू नहीं होगा, ना कोई बड़े मेरे पर सूट हो, मेरा ये हो, मेरा नहीं। इस तरह हमारी जबान और पुराना खाना पीना गंदा सब खत्म, सिर्फ पेट भरने का सवाल रह जाएगा। इस तरह आप सियाने हैं, जितने भी बाहरी संसार के विषय थे पुराने, अब मन टूट जाएगा। अब क्या शुद्ध देखना, शुद्ध सुनना, शुद्ध खाना, हाथों से शुद्ध सेवा करना और पैरों के थोड़ी जगह शुद्ध स्थानों पे जाना, बस आपके आपके सारे काम क्या जाएंगे, पवित्र और एस्पिशियस। बहुत अच्छे, इसको हमारे भगवान जी वैराग कह रहे, जिन्होंने इसी जन्म में अपना कल्याण कर जाना, जिन देवनियों फिर किसी मां के गर्भ में नहीं गिरना, भगवान की जात में सवा जाना है, उनके लिए हमारे प्रभु कह रहे हैं ये जो तीन श्लोकों के अंदर। वैराग अर्थात बिल्कुल ही इनकलाब जिंदाबाद, संसार तो वही रहेगा पर हमारे विषय बदल जाएंगे। सिनेमा वही है हमारी बला से, क्लब वही है हमारी बला से, पार्क वही है हमारी बला से, बाजार वही है हमारी बला से। दिल ही नहीं करता था, दिल करता था आपका जाने का बन ठन के, अब आपका मन ही नहीं करता। छोटी मुन्नी भेज देती हो, बड़ी काके को भेज दी तो काके ये ले आना, माँ मैं नहीं करती, जो मर्जी ले आप, भरनी टूटी चीज जो मर्जी ले आ। पहले कितना शौक था एक चीज लेनी, तीन तीन बाजार दुकानों पे जा करके। भाई क्या हो गया, हम कोई जटिया थोड़ी है, पढ़ी लिखी है, बड़े मॉडर्न है हम तो, कोई अच्छी चीज दिखला है कैसे तपाक से, और अपनी भुजा मार मार के लेते दिखाना। अरे क्या तेरी दुकान खोली हमारे लिए, और अब घर से बाहर निकलने का चित नहीं चाहता। उधो मन माने की बात, सारी बात तो मन करके है ना। पहले एक एक बात का कितना विस्तार करते थे, बाल की खाल उतारते थे, अब क्या हो गया आपको, देख लीजिए आप, डिस्कशन ही बंद, ज्यादा बकबक बंद, ज्यादा बच्चे से लड़ना झगड़ना, सारे बच्चे के हमारे पिताजी को क्या हो गया, चुपचाप बेटे सब बकवास थी, अब आपका मन अपने मालिक में लगा रहता है। देखिए कितना अंतर आ गया वैराग आने से, आपको नजर आता है कि मैंने सारी आयु तबाह कर डाली। ऐसे ही इधर उधर के धंधे एक बात का वतंगा बढ़ा लेता था, ऐसे फजूल जगह जरा गृह प्रवेश है, हाई फलाना है, हाई नाम कराना है, अब आपको नजर आती है सब मैंने अपना अनमोल टाइम बर्बाद कर दिया। चलो जी चलो, मुझे दोस्त अपने यूं ले जाते थे जैसे मैं उनको स्कूटर हूं, जहां चाहे मुझे ले जाए, चलो मनोरी चलो, चलो फलाई जगह चले, चलो फलाई जगह चले, और अब 10 मित्र आ जाती है, आप हाथ जोड़ते नहीं, मेरा दिल नहीं, क्या हो गया तुम्हें, कुछ भी समझ लो, मुझे कुत्ता सो गया कोई, मेरा नहीं दिल करता। पहले इंतजार मजा ले, रोटी खाते हुए मनोरी दे बच्चे उठ बैठते थे, माँ कहते पुत्र रोटी तो खा ले, बस माँ मैं तीन फुलके खा लिए, वो बार इंतजार कर रहा हूँ, कितना शौक। और आज आज वो घंटा खड़ा रहे, आपको परवाह कोई नहीं, दो मन माने की बात, सारी बात तो मन करके है। ये जहान जहान करके नहीं हो सजनो, ये जहान मन करके है, इसलिए आपके परम पिता व्यास कह रही है मन जीते जग जी, जग को भी बखूब सिकंदर की तरह हम जीतने जाएंगे, एक क्या दूसरा सिकंदर पैदा होगा, कदापि नहीं। हिंदू धर्म में आपके उच्च कोटि के महापुरुष बता गए आपको, जिसने अपने मन को जीता जग अपने आप जीता गया, क्योंकि जग अपने आप में हैसियत नहीं रखता, अगर हम किसी चीज को चाहे तो उसकी वक्त है। सुना मेरे सजनों, ओ मेरी भोली बाली कमली देवियों, अगर हम चाहते हैं तो सिनेमा हॉल लख दा, अगर हम नहीं चाहते तो आपकी कसम सिनेमा हॉल कख दा। चाहने से किसी चीज की वैल्यू बढ़ती है, अगर आप नहीं चाहते धक्के खाली चीजें, यू डोंट केयर, क्योंकि विचार बदल गया, दृष्टिकोण बदल गया, अब आप अब महत्ता भगवान को दे रहे हैं, जहान को नहीं, जहान शर्मिंदा होकर रह गया, बिल्कुल ही लज्जत होके रह गया। वाह वाह, इसको वैराग कहती है। देखिए जल्दी जल्दी जिन्होंने कल्याण कर जाना है, जहान वही रहेगा, हम नहीं वो रहते, जहान के प्राणी पदार्थ वही रहेंगे, हवाएं फिजाएं वही रहेंगी,
बाबा बाबा हवाएं भी वही रहेंगी, फिजाएं भी वही रहेंगी, पर हमारी अदाएं नहीं वो रहेंगी। फिर कह बाबा हवाएं भी वही, फिजाएं भी वही, पर अदाएं वो नहीं है, हमारी अदा बदल जाएगी। वाह वाह मेरी भगवती वाह, कितना अंतर आ गया। गली वही, मोहल्ला वही, आपका परिवार वही, जिंदे रहना आपके ससुर जी कटाक्ष करने वाले वो वही, आपके पति देव जी क्या कहने हैं, लेकिन जनाब वो नहीं रहना। जिसने इन सारों को लेना था उसमें कितना अंतर आ गया। हाँ कितना भारी अंतर है। शाबाश, एक ही बिल्डिंग है और एक ही फोटोग्राफर है और उसके पास एक ही कैमरा है, अमेरिका का कैमरा है, फोटोग्राफर भी एक ही, हमाले का मशहूर बिल्डिंग भी एक है, लेकिन हम कहते हैं ये 12 हैं, फोटो देखिए। हाँ बड़ी सुंदर है, ये 12 बिल्डिंगें नहीं है, 12 एंगल से फोटो ली गई है, बिल्डिंग एक ही है, बैक से ली गई, फ्रंट से ली गई, एक दीवार पे चढ़ के एक नजारा लिया गया, एक परले कोने पे खड़े होकर लिया गया, बिल्डिंग इज द सेम एंगल, डिफरेंट डिफरेंट डिफरेंट। दुनिया में संसार तो एक ही रहता है पर उसके देखने का ढंग अलग रहता है। आप बच्चों का संसार कुछ और है, नारी के संसार कुछ और है, और जेंट का संसार कुछ और है, बूढ़ों का संसार कुछ और है, जवानों के संसार तो कुछ ही ना मेरे से, मॉडर्न गर्ल का संसार इस गोल तो कुछ ना फूल, बिल्कुल ही कुछ और प्रकार का है। संसार तो एक है पर उस संसार को देखने का दृष्टिकोण अलग अलग अलग। देर आर नॉट सो मेनी वर्ड्स, वर्ड इज द वन, लेकिन एंगल ऑफ व्यू जो बदल जाता है। वाह हमारा बचपन का संसार कैसा था, हमारा बालकपने का संसार कैसा हुआ, हम जब स्कूल गोइंग चैप बने तब संसार कैसा था, जब घोड़ी घोड़े पे चढ़ के आप शादी करने जा रहे थे तब संसार कैसा था, जब आपके दो बच्चे हो गए शर्मा जी तब आपका संसार कैसा था। और मुझे कहना ना होगा अब आपका संसार कैसा है। हाय कितना भारी अंतर आ गया। ओ मेरी मैया मेरी बेटी, कितना भारी अंतर है। किस में? संसार में नहीं, संसार में हवाएं वही है, पिज़ाएं वही है, सूरज वही है, चंद्रमा वही है, पर देखने वाला जो वो नहीं रहा। हमारे में जो अंतर आ गया इसको वैराग कहती। हमारे भगवान जी ने मेरे सजनों इसी को वैराग के नाम से पुकारा। आप देखते जाइए ऐसा गुण आप में आ गया। अब मैं आगे बढ़ू इसी 51 श्लोक के अंदर मेरे हजूर, हमारे हजूर कहती है, हमारे मालिक कहती है क्या, जिसने जल्दी जल्दी मालिक के नजदीक पहुंच जाना, जल्दी जल्दी। जैसे आपको पता था कि 5 बजे सत्संग शुरू होता है, घर में 2 मेहमान आए हुए हैं, एक पिताजी की ओर से चाचा जी आए हैं, एक माँ की ओर से आपका मामा आया है, माँ का भाई, अब 2 तरफ से मेहमान आए हुए हैं, चाचा भी जबरदस्त है और मामी तो गाली ना पूछो, वो भी है। अब एक माँ को भी निराज कर सकते और पिताजी को निराज नहीं कर सकते, पिताजी भी जिंदा है, माँ भी जिंदा है घर के अंदर, और आप सत्संग को भी नहीं छोड़ सकते और चाहते भी हैं कि 4:30 बज गए, उन्हें 5 बजे तक पहुंचना है, 15 मिनट तो रास्ते में लग जाती है। हाँ कि किस तरीके से आप अपने दामन बचा के आएंगे। पिताजी चाचा जी कह रहे थे मैंने फलाने के पास जाना है। हाँ तो मनोरी उठ चल, नहीं चल मेरे साथ। माँ मामा जी कह रही थी हाँ फला रिश्तेदारी हमारी यही है, हाँ हाँ भैया यही है, मिलना ही आया तो मिल ही लवा, तो माँ फिर तू ले जा। कितने आप चलाक है, शुक्र है आप 100 बार पैदा हुए हैं, मंगलवार नहीं हुए। एक को पिताजी के हवाले कर दिया, एक को माँ के हवाले कर दिया, और जनाब जनाब वन एंड ओनली वन मेरे पास, जो गए जाको भाविता सोता ही के पास, जो जिसको अच्छा लगता है उसी के हवाले आप हो गए। गुड किस तरीके थी। हाँ अब ये जो गुण मेरे मालिक बता रहे हैं,
जो गुण भगवान जी आप कहने जा रहे हैं जरा आप गौर से सुन लेना, बड़े तरीके से आप सुन लेना जो मेरे महाराज जी कह रहे हैं, जरा गौर से। क्योंकि हम अपना कल्याण चाहते हैं, हम सब कल्याण करके रहना चाहते हैं, कल्याण करके जान से कूच करेंगे फिर नहीं आएंगे। अब क्या गुण है, जान से मेरे सजनों, ओ मेरी देवियों मेरे साथ रहना, मन करके मेरे साथ थोड़ी देर और रहना। और क्या शर्त लगा रहे भगवान जी, उनमें राग और द्वेष नहीं रहता। राग और द्वेष अर्थात रगबत और नफरत अर्थात अट्रैक्शन और रिपल्शन। आप देख रहे हैं ये सत्संग शाला में जहां आप तशरीफ रखते हैं, दो गेट है, इसको हम बोलते हैं मेन गेट, ये साइड गेट। अच्छा, अंदर आने के ये दो ही दरवाजे हैं। जब आप देर से आते हैं तो पीछे से आती है, और जब आप टाइम से आ जाते हैं तो आगे से। शाबाश शाबाश, अब आप टाइम के चोर आए तो हमेशा चोर पिछले दरवाजे से आती है, और जो रिश्तेदार होते हैं वो सीधे सामने से आते हैं। घरों में भी ऐसा होता है, यहां भी ऐसा, ताकि बाकी डिस्टर्ब ना हो। अच्छा, तो जरा ध्यान दीजिए, राग और द्वेष इस मन में जाने के ये दो दरवाजे माने गए। अब ध्यान देना मेरे सज्जनों, ओ मेरी कल्याणकर्ण देवियों, राग और द्वेष संसार को अंदर ले जाने के लिए दो दरवाजे। अच्छा, पहले ये सुन लीजिए, मैं आगे बढ़ चलूं। संसार की जो नाना प्रकार के विषय है, वर्ल्डली ऑब्जेक्ट्स, ये अंदर जाती क्या, कुछ द्वेष के रास्ते से जाती है, कुछ राग के रास्ते से जाती है। शाबाश शाबाश, जैसे मुक्त हमारे एक ही है, हा पर रुचि हमारी अलग अलग होती है। करेले भी उसी मुंह से खाती है, और खीर भी उसी मुंह से लेती है, जामुन भी उसी मुंह से लेती है। आखा, मुक्त एक ही होता है, रुचि भिन्न भिन्न। और जरा मैं इसको और समझाऊं, भगवान जी जो फरमाती हैं, राग किसे कहती हैं, राग का मतलब मोह अटैचमेंट, राग का मतलब प्यार, राग का मतलब गिलपना, मन गीला हो जाता है, हमें एक दूसरे के साथ आसक्ति हो जाती है, अटैचमेंट हो जाती है। भगवान इसी आधार पर दुनिया चला रही है, बड़ी जबरदस्त वृत्ति है जो छोटे छोटे अणु में, परमाणु में, चींटियों में भी है। देखो, सारे जानवरों में भी राग है। खुद नहीं खाएंगे अपने बच्चों के जो घोंसले में बैठी है, चिड़िया कहां से चोगा लाती है, कबूतर कबूतरी कहां से ले आती है देख लीजिए, और अपने बच्चे के मुंह में ची 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 करके बीच में चोगा दे रही है, देखने का नजारा होता है। आप नहीं खाना और छोटे से बच्चे को देना है। आप ही देखो कितना दूर दूर से दुख पा के कमाते हैं, अपने बच्चों को कमाने पढ़ाने खिलाने के लिए कितनी कुर्बानी आप कर रहे हैं। तो राग का मतलब मोह, खुद दुख पाना, और जिनके साथ हमारा राग है उनको सुख देना। लेकिन आपको मान से खुशी होती है, खुद दुख पा करके उनको दे करके। अपने कपड़े देखा करो, और जब जिनके साथ आपका मोह है उनके कपड़े कितने सुंदर आप बना के देती हैं। आहा, आपके बच्चे ऐसे लगते हैं जैसे अभी इंग्लैंड रिटर्न होकर जहाज से उतरे हो, और आप ऐसे लगते हैं जैसे मजदूरी करके अभी नौकरी देके वापस आए हो। मैं लेके चले कपड़े, पैंट पहन रखी है, पीछे टाकी लगा रखी है पीछे पैंट के, देख लीजिए जरा आप, जरा अपना हाल तो देख लो, कैसे कपड़े मोटे पहन रखे हो। ये आपकी बेटी है, ये लगती है आपकी बेटी। तो जिनके साथ हमारा राग हमारी मोह होता है, हा अच्छा, भगवान कहती है मोह क्यों हो जाता है, एक कमजोरी के कारण से, क्या सुख की भावना के कारण से। सुनो नेक जीवो, भगवान करे इसी जन्म में तर जाओ, ओ मेरी भोली भाली देवियों, हमारा राग हरेक के साथ नहीं होता, हरेक के साथ हमारी आसक्ति या अटैचमेंट मोह नहीं होता। क्या जिनसे हमें उम्मीद है इनसे सुख मिलेगा, सुख की भावना ना बनती रब दी दुनिया दे ले दी, किसी काम की दुनिया नहीं थी अगर सुख की दृष्टि ना बने तो। यही सुख की दृष्टि हमें नाना प्रकार के प्राणी पदार्थों के साथ
स्टिकर की तरह स्टिक करवा देती है, जैसे आजकल इतने इतने बड़े कागज मिलते हैं स्टिकर, जय कृष्ण हरे, सदा राम राम बोलो, ये स्टिकर मिलते हैं आपको। तो स्टिकर के पीछे गूंद होती है या कोई चिपकाने वाली चीज होती है, जहां मर्जी उसे चिपका दीजिएगा, यहां लगा दो, वहां लगा दो, दीवार पे लगा दो, जहां भी आप ठीक समझती हैं। तो ये क्या गए, जिनको हम सुख दृष्टि से देखती हैं, हमारा मन स्टिकर की तरह उसके साथ चिपक जाता। ध्यान देना, बिल्कुल सुख दृष्टि के कारण से हर एक के साथ नहीं चिपकते। गली मोहल्ले में देख लो कितने घर रहती हैं, लेकिन आप किसी किसी के साथ चिपके हुए हैं। हाँ देख ली, आप दफ्तर के आपके कितने ही काम करती हैं, लेकिन आप दो तीन के साथ स्टिक है, जहां से आपको खुशी मिलती है, आपके हाँ में हाँ मिलाई जाती है, आपके सुख दुख के साझी बनती हैं। केवल उन्हीं के साथ आप क्या है, इंटरवोवन। यहां क्या कर रही है, भगवान के ज्ञान की टॉर्च लग रही है और प्राणी पदार्थ अपनी असलियत में हमें नजर आने लगे हैं, हमें पता लगने लगा है। अब तुझे दुख की दुनिया आए, अनित्यम असुखम, अनित्यम असुखम, हम क्या समझते रहे नित्यम सुखम। अब महाराज जी की चोटी के ज्ञान से पता लग रहा है, नहीं ये सब अनित्य है, दुखदायी है। तो दुनिया बीच में से निकलने लग गई, जो ही आपने अनित्य और दुखदायी कहा दुनिया गई, दुनिया की शक्लें गई, दुनिया की कामना गई, दुनिया की वासना गई, दुनिया का राग गया, दुनिया का चिंतन गया, दुनिया में उठना बैठना गया। कितना अंतर आता जा रहा है मेरे सजनों, ओ मेरी कल्याणकामी देवियों, सिर्फ सुख दृष्टि से आपने एक संसार बना लिया था। हर एक का संसार अलग अलग है, रब की दुनिया में तो कोई रहता होगा, वरना हर एक अपनी राग भरी दुनिया में रहते हैं। हर एक राग भरी दुनिया में देख लो, हर एक ने अपना संसार बनाया है। हरीश तेरा संसार अलग है, सतीश तेरा संसार अलग है, देख लो हरीश का संसार अलग, हाँ सतीश का संसार अलग, हाँ वो मलीश का संसार अलग। संसार का मतलब कामनाएं वासनाएं इच्छाएं हमारी अटैचमेंट, आप सबका अलग अलग संसार है। नारी संसार तो प्रसिद्ध है ही, हर एक ने अपना अपना संसार बनाया हुआ है। शाबाश, तो भगवान क्या कहते हैं, जिन्होंने महाराज जी की जात में समा जाना और गर्व में नहीं जाना, ए यू नहीं जाना, ए यू जाना, ये दो गतियां होती हैं, नारी के गर्भ में या जीव ए सर्वव्यापी में। ये दो गतियां भगवान ने यूं किए, एक हाथ यूं किया, एक हाथ यूं किया। वो जाए सुवे आसमा, वो लटके रही दर्द। नहीं याद कराता हूं भगवान की शब्द कि जो नेक जीव होते हैं जाए सुवे आसमा, भगवान की जात में समा जाती हैं, और जो नीचे होते हैं वो धरती और आकाश के बीच में गिर जाते हैं। क्यों, केवल राग के कारण से। इन चीजों को सुखदाई समझती हो, सुखदाई समझने से क्या होता है, जिसको भी आपने सुखदाई कहा, हाय रब्बा मैं क्या समझाऊं, फिर क्या करते चलते फिरते उसके उसको उसको उसका उसके जी चाहता है, क्या ये चीज बहुत अच्छी है, ये स्थान बहुत अच्छा है, ये कपड़ा बहुत अच्छा था, फलानी जो लड़की थी ना बहुत अच्छी थी, फलाना लड़का जो है ना एक है, एक एक है और बड़े अमीर का बहुत अच्छा था। यू कहते कहते दो दिन तीन दिन के बाद चौथे दिन क्या होगा, तो वो चीज मुझे मिलनी चाहिए, वो चीज बड़ी अच्छी, वो मेरी बन जाए, ये सूट मेरा, ये नारी मेरी पत्नी बन जाए, ये नार मेरा पति बन जाए, ये वो स्थान पर हम मकान बना लें। जिसको आपने सुखदाई कहा उसका चिंतन जारी, और चिंतन के बाद डिमांड, एंड दैट डिमांड बिकम्स बर्निंग डिमांड। ओ मेरे सजनों मेरी पढ़ी लिखी देवियों, किसी चीज को पसंद कर ये कहना ये अच्छी या कोई बात नहीं, कह लेते आगे चलो ना, कहने से सुखदाई बन गया, अब सुखदाई की बात चलिए मेरे पास आए, अब दिन रात हम लगेंगे उसको प्राप्त करने में, हाय गर्दन तोड़ परीक्षम करेंगे उसको लेने में। यह तो रब लेना आसान बना देता, मैंने चाहा उस चीज खड़ी जाती, आप मुझे चाहती हैं ले लो, ऐसे कहां, रात की नींद मेरी आराम, मेरी भूख आराम, मेरा चैन आराम, जब तक वो चीज ना मिले मैं अब नॉर्मल नजर आऊंगा, आप बिल्कुल आप नॉर्मल हो जाओगी, खाना पीना नहीं अच्छा लगेगा, नींद नहीं अच्छी लगेगी, अंदर बाहर आप पागलों की तरह घूमती रहेंगी, कभी अम्मा के बाहर कभी बाहर कभी अंदर, ये क्या हो रहा है, दीवानगी छा जाएगी आप पर। हाँ कितना बुरा हाल होता है
जब हम किसी को सुखदाई कहती है तो। मैंने कहा पढ़ाई बड़ी सुखदाई है, दिन रात एक करना पड़ा। कमाई बड़ी सुखदाई है, दिन रात जुतियां तुड़वा तुड़वा के कमाई के लिए जाना पड़ा, सिफारशें कर करके ली। फिर मैं शादी करना चाहती हूं तो किस प्रकार शादी हुई? फिर शादी होगी दोनों प्यार से रहो? नहीं, कोई गोदी में बच्चा भी नहीं चाहिए जो आधी रात को जगाए और लूज मोशन हो उसकी और मैं उठूं और ये करूं। कर लो, सुखदाई कहते जाओ और मरते जाओ। आगे जब आप किसी को चाहेंगी सुख करके, ये दूसरी बीमारी भी रब ना बनाता साथ आएगी। जब भी आप शर्मा जी कहेंगे ए वर्मा, ओ शर्मा, ये चीज बहुत अच्छी है, एट दैट वेरी मोमेंट आपका मन कहेगा वो बड़ा कोड़ी है, बड़ा गंदा है, वो ठीक नहीं है। देखिए जरा इंसान को प्रकृति ने कहां मारा। जब आपने कहा वो लड़का बहुत अच्छा है, फला लड़का तो गंदा है, देखने का चित्त ही नहीं चाहता, उसी वक्त जहां राग पैदा होता है आपकी कसम वही द्वेष पैदा हो जाता है। एट दैट वेरी मोमेंट व्हेन देयर इज अट्रैक्शन देयर इज रिपल्शन। जब आपने कहा कि फला नौकरी अच्छी है, फला नौकरी तो बड़ी गंदी है, अगर ये मुझे 1000 रुपया पार्ट दे तो भी मैं न जाऊं, मैं थूक दूं उसके ऊपर। देख लीजिए इन्हीं राग द्वेष के कारण से हमारे में विक्षेपता पैदा होती है, हम पक्के संसारी बन जाते हैं। इसी राग द्वेष के कारण भगवान कहते हैं इन्हें छोड़ इनमें ना जाना, कहीं नास्ती को अपनी मिटाना कहीं। जीव तबाह हो रहे हैं, कितने भी जीव आपको नजर आएंगे संसार में राग द्वेष के कारण से। कोई चीजें मुझे चाहती, मैं चाहता हूं सुखदाई है, ले लेता हूं, फिर उनके क्या, उनके संरक्षण की कितनी भी चिंता होती है, संरक्षण ये चीज बनी रहना, मुझे फलां लड़की बड़ी अच्छी लगी मेरी शादी हो गई, अब ये बनी रहना मेरे पास, ये पति देव बड़े अच्छे ये बड़े रहे, क्या मतलब सारी जिंदगी कट गई। अटेनिंग मेंटेनिंग, अटेनिंग मेंटेनिंग, अर्थात प्राप्ति में और संरक्षण में, संरक्षण उसको मेंटेन करना, सारा समय लग गया, दिन रात दोपहर सारी लग गई इसके अंदर, कमाई करते करते व्यवहार करते करते लेते देते, एक आपको लेने में कितना नर तबाह होता है, एक आपको रखने में, आपके माँ बाप खुश करेगा, आपकी बहन सालियों खुश करेगा, आपके सालों खुश करेगा, कितना एक नर टट्टू बनता है, टट्टू आपको रखने में। कभी आप कहीं नचाएंगी, कभी कहीं नचाएंगी, बुरा न मना मेरे पुत्र, मैं सच्चाई से काम ले रहा हूं, एक आपको रखने में। कभी उसके माँ बाप नाराज हो गए, कभी आपकी नंदे नाराज हो गई, कभी देवर नाराज हो गए। हाँ ये चंद्री ऐसी आई है सारू के खिलाफ कर मारा, मारो चंद्री को, चंद्री सारे नाराज होते जा रही है। हाँ आप घर से अलग मकान लिया, किराए पर बैठे, गाड़ियां पड़ रही हैं आपको, आए मेरे रब्बा, कितनी शर्मा वर्मा गाड़ियां पड़ती हैं। एक नारी को रखने के लिए, उसके बच्चे बन गए उनको रखने के लिए, एक मेरे नर को कितना मरना पड़ता है, इतने पहाड़ी टट्टू को नहीं चढ़ चढ़ के ऊपर मरना पड़ता जितने आजकल यंग मैन को कुर्बानी करनी पड़ती है एक छोरी को अपने साथ रखने के लिए। कितनी भारी कुर्बानी, कभी आप गौर से देखे तो खून के आंसू आपके दोनों नेत्रों से बाहर गिरे कि कितनी भारी कुर्बानी। और आपने सुख दृष्टि बनाई थी, मिला सुख, पिट मरो इसमें सुख है ही नहीं बाबा, क्यों? चूंकि ये बदल जाएंगे, इनमें तब्दीली है, नारी वो मीठा मिठास नहीं दे सकेगी कुछ महीनों के बाद, कुछ दिनों के बाद, नर वो मिठास नहीं दे सकेगा कोई समय पा करके। दुनिया को ये पता ही नहीं लग रहा कि दुनिया में एक अटल नियम है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग यूटिलिटी, क्या 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 उपयोगिता ह्रास नियम, दुनिया के किसी प्राणी पदार्थ का प्रयोग कीजिए कुछ दिनों के बाद उसका रस खत्म हो जाएगा। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग, डिमिनिश मैंने ह्रास नियम, परमात्मा का नियम, किसी भी चीज को सिनेमा को 2 बार देखे, पिक्चर को देखिएगा, हाँ 3री बार दिल नहीं करेगा। आप एक साड़ी आपकी आपने ली है कोई 4000 रुपए की, 4 बार पहनो, हाँ बस आपका खुद दिल कर, बार बार पहन के लोग क्या कहेंगे, बड़ी भूखी है बार बार, इसके बाद हिप की साड़ी है कमली के पास, वही बार बार ठमका के फिर दी, अपनी चाल ही बदल ली, मुझे ऐसी साड़ी पहना दे फिर मेरी चाल देख ला, तो वो लोग ताने मारेंगे, फिर आपका दिल ही नहीं करेगा पहनने का, मैं नहीं पहनती। चाहे कितना भी आप गर्म सूट बना लीजिएगा,
4000 रुपए का, हाँ रोज पहने का दिन नहीं करेगा, आपको मन फेड अप हो जाएगा। ये परमात्मा का अटल नियम है मेरे सजनों, एक चीज हमेशा नहीं अच्छी रहती, फिर उधर द्वेष भी पैदा हो जाएगा। हाँ ले अब मैं इतनी कीमती कपड़े पहने वाला, इतनी अच्छी मेरी नौकरी है, ऐसे कपड़े मेरे योग है, पहले उन्हीं कपड़ों में फाटे का फाटे वाला पजामा और फाटे वाली कमीज, और अब कहते हैं वाह ये तो हरिजन पहनते मेकअप, पहले उसी में साल काटे, अब द्वेष हो गया उनसे। ऐसे चप्पलों से वी शेप के चप्पल अब आप नहीं पहनते, अब आपके चप्पल का नमूना ही अलग है। अच्छा आप अपना ओपन शर्ट आप नहीं पहनते, आपकी शर्ट ही कुछ और प्रकार की है, अब वो कपड़े आप नहीं पहनते, आप तो कोई और ही प्रकार की ये पहने लगी है सूट, बिल्कुल ही और प्रकार, देवी देवता भी आकाश पर आकाश फाड़ के देखती होंगी कि ये कैसे पहन रखा है, आगे आगे ये कैसे बना हुआ है, पीछे से आगे और आगे झालरें जा रही है, कहा कोई कश्मीर तो कोई दिल्ली तो कोई पटियाला, ये कैसी जा रही है, ये क्या जा रहा है, अब कैसे बन गया, पहले सीधी बाल कंघी मारी और बाल की है यूं बना के गुतड़ी बनाई पीछे छुट्टी, और अब कितना टनता है, कुछ बाल इधर अंबाला की तरफ, कुछ पटियाला की तरफ, कुछ छावनी में बाल जाती है, ये देख क्या कितनी देर लग जाती है ये पटियाला में भेजने में, अंबाला भेजने में, कैंट भेजने में, पहले कितना सीधा था पुत्र, थोड़ा सा पानी लगाया कंघी मारी बाल पीछे किए और गुतड़ी पीछे करके चल लंबी हो पहन के पहन के, और अब देखो कितनी देर लगती है, मेरे रब्बा वही कितना है कि यार स्टॉपर लगाना पड़ता है, ये स्टॉपर ये कितना अंतर हो गया मेरे बच्चे, कितना भारी, आप वो चीजें आप वो के वो तो जट्टी है फलानी, अगर पुरानी पहनते जट्टी कहलाते हैं, हमें ये संसार या इसकी माया कितना बुद्धू बनाई जा रही है, अगर आप ये बटन बंद करें मेरे जेंट्स तो कहते हैं बटन नॉनसेंस, बटन जरा खोल के आ तलंदे कलंदे करंदे हवा, अरे खोल दे खिड़की लगंदे हवा, वाह 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 खोल दे खिड़की लगंदे हवा, वाह वाह मेरे पुत्रा वाह, कितना अंतर आ गया उसमें और अब में। पहले तो पालतू कुत्तों में पट्टे पहनते थे, आज नर भी गानी पहन के पालतू कुत्ते बने हुए हैं। गानी आपके लिए क्या मतलब, नारी तो पहले भी खूबसूरती की निगानी उसका श्रृंगार है, लेकिन व्हाट अबाउट मेल, व्हाई दिस नेकलेस सो फॉर मेल इज कंसर्न, हालांकि तरसती है कि वो हम मेल होते और आप मेल होकर नारी की तरह पहनने लग गए हैं, उल्टा शुक्र बनाओ कि आई एम नॉट फीमेल आई एम मेल। फिर ये गानी बना और ये बना, मुझे तो कोई समझ नहीं आई, अब नर भी सलवारें पार लगे मुसलमानों की तरह, जरा नर की सलवार पा के ऊपर कमीज देखो करो, परमात्मा कसम मुझे लानत मारना अगर गुलाम हुसैन नजर आता हो तो, बिल्कुल रावलपिंडी वाला गुलाम हुसैन, जरा सलवार पहनी हो आजकल सलवार चल पड़ी है वो पर कमीज लंबी है, और जनाब की चाल देखो जरा ये फाट जब नीचे वाले सलवार कभी यूं जा रही है कभी यूं जा रही है, ए गुलाम हुसैन मियां गुलाम हुसैन वालेकुम सलाम, ये देखिए जरा कितना फर्क पड़ गया, ये सूट सलवारें इन्हीं को अच्छी लगती थी, नर की मत मारी गई, आज जाके सलवार का पजामा बना हुआ है पुत्र, और मनोरी लाल बन जा गुलाम हुसैन नहीं बनना, रब ने जहां पैदा किया है देश के अनुसार वेश है, देश के अनुसार वेश होता है, नलक्यू की नकल नहीं करनी नहीं करनी, पुत्र अब हो गए ना राग द्वेष साथ 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 दोनों साथ साथ, अब हमें क्या कहा जा रहा है, भगवान जिन्होंने तर जाना है और फिर नहीं आना है चाहान में, उनमें राग द्वेष दोनों निकल जाती है, क्यों, जिसने राग द्वेष करना है वो मालिक के संग लग गया, वो भगवान के संग लग गया, इनको समझता कुछ भी नहीं, इनकी इंपॉर्टेंस हम खींच लेते हैं, अब कोई इंपॉर्टेंस नहीं देते हम, इसलिए साधारण बिल्कुल आप सिर्फ जिस्म ढांपने का सवाल है पुत्र, अब आप वही हो जिस्म ढांपने के सवाल का, मैंने आप शरीर और अंग ढांपने हैं बस, ये वो 3600 को नखरे फकरे सब गए मेरी बेटी, सीधा मार कंघी मारी अब किया चल छुट्टी भरे,
मेरे को आपके 5 मिनट भी नहीं लगते कपड़े पहनने में और बाल बुल बनाने में, और पहले कम से कम 1.25 घंटा आपने कहा हुआ है। श्रीमान जी अगर कहीं मुझे ले जाना हो मुझे 1.25 घंटा पहले अलार्म दोगे, 1.25 घंटे के बाद ही मैं तैयार हो सकती हूँ। और जनाब अब श्रीमान को जो बूट के तस्मे करने में देर लग रही है, आप तैयारी खड़ी फटाफट चल सूट पहना कंघी मारी छुट्टी भरे। हाय कितना अंतर आ जाता है। तो परमात्मा ने क्या अच्छा कहा, राग द्वेष उनका निकल जाता है, किनका, जिन्होंने सोने रब का सोना चेहरा देखना है। सोने रब का जिन्होंने सोना चेहरा देखना है उनका मन संसार से निकल जाता, साधारण बन के रहती है। मोस्ट सिंपल एंड मोस्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड, मोस्ट सिंपल एंड मोस्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड। चक्कर इधर मारना अपने अंदर, राग द्वेष कम होते जा रहे हैं ना। मैं ये तो नहीं कह सकता कि बिल्कुल खत्म हो गए होंगे, पर जो दिन चढ़ता है आपका कम हो रहा है ना। सुन मेरी मैया मेरी नेक बेटी, जो दिन चढ़ता है राग द्वेष घटाने वाला होता है ना, राग और कम द्वेष और कम। हाँ ये दोनों कम, तो मैं आपको बताऊं रब क्या कहना चाहती है, जिसके राग द्वेष कम होते जा रही है वो दिन ब दिन अंतर्मुखी होता जा रहा, उसकी बार मुक्ता घटती जा रही है। ओ बकप बकप बकप, शाबाश मेरी बेटी शाबाश। अब उसके मन के बाहर के संकल्प विकल्प बंद, अब वो भीतर में आ रही है। मेरे महाराज जी कहना ये चाहती हैं, ना हो उसको ख्याले दुई से कोई, ख्याले दुई मेरे दुनिया, ख्याले दुई का मतलब राग और द्वेष। अब ख्याले दुई से हटता जा रहा है मन और उसे एक में बैठता जा रहा है। ये मार्ग है ही इसके लिए, एक में लग जाने के लिए, संसार अनेक का बन जाने के लिए, और ये मार्ग एक का बन जाने के लिए। ओ मैं कुर्बान, हम कहते फलाना बड़ा प्रपंची और संसारी है, अर्थात अनेक में लगा हुआ, बड़ा राग उसमें राग है बड़ा द्वेष है, और ये मार्ग क्या है, केवल एक में। आहा वो करती है खालिस इबादत मेरी, वो यक दिल हो जी में न रखी दुई, एक ही मन से अपने मालिक में लग जाती है। दिन पतन आपकी महत्ता, संसार की महत्ता आपके मन में से घटती जा रही है। अब आपने देखना है, बड़े मार्के की बात कह रहे मेरे प्रभु, जिन्होंने इसी जन्म में ही अपना कल्याण कर जाना, फिर लौट के इस दुख भरे और निराले संसार में नहीं आना, नहीं आना, नहीं आना। जो मेरी बेटी नहीं आएगी, नारी के चोलत वैसी बड़ा दुखदाई होता है मेरे पुत्र। ओ मेरी बेटी बहुत ही दुखदाई, ये जो आपने कटिंग बनाई अपने शरीर की, ये कटिंग ठीक नहीं, बहुत ही दुखदाई है। 5 तत्वों के थान में से ये कटिंग, 5 तत्वों के थान में से ये कटिंग, इस कटिंग का बड़ा निराला वतीरा है, बहुत निराला वतीरा। तो आपको तो पहली वैराग क्या सिर तक पहुंच जाना चाहिए, और बिल्कुल अपना मन राग द्वेष से खाली ना, कर्तव्य करना है, जो भी घर के हमारे कर्तव्य कर्म है वो हम बजा ला रहे और पूरा करते जाएंगे, बिना राग बिना द्वेष के, बिना राग बिना द्वेष के। अब आपने एड़ी चोटी का जोर मारना है मेरी माताओं मेरी बेटियों बुजुर्गों मेरे दाना भाइयों, दूरदर्शी तरह से काम लेना, कोई किसी से राग नहीं, अगर राग नहीं तो द्वेष भी नहीं रहेगा। द्वेष की अपने आप में कोई भुक्कत नहीं, कोई हस्ती नहीं, कोई व्यक्तित्व नहीं। अगर राग है तो द्वेष है, राग नहीं तो द्वेष भी खत्म। बच्चे राग नहीं तो द्वेष भी खत्म। आए हाय, हमारे यहां कहावत मशहूर है, कभी आपने सोनी माहिवाल का किस्सा पढ़ा, बड़ा मीठा भी है और बड़ा दर्द भरा भी है। हाँ सोनी बिचारी माहिवाल को मिलने के लिए, रोज शादी भी हो गई, रात को मिलने के लिए दरिया के किनारे आती थी, और घड़ा अपना साथ बांध के परले पार उसका प्यारा रहता था माहिवाल। तो एक बार ननद ने देख लिया उसे कच्चा घड़ा कोने में रख दिया, प्यार में अंधी होती थी, उसे घड़ा उठाया चल पड़ी और उसे रखा। जब वो दरिया के बीच में पहुंची तो घड़ा तो गल गया, कच्चा घड़ा था। जब गल गया तो उसने जोर की आवाज मारी, माहिवाल मेरे माहिवाल, वो किनारे पर खड़ा था, क्या बना, घड़ा तो कच्चा है, मैं गई, जोर की मारी छलांग उसने। तो क्या होता है, दोनों की आत्माएं उड़ती हुई दिखाती है आकाश की ओर। तो हमारे आज तक कहावत है, जिथे डुब्बी सोनी
उत्थे डुबिया माई वाल। बेटी जिथे डुबी सोनी उत्थे डुबिया माई वाल, कहावत मशहूर। इस तरह एक रब का प्यारा कह रहा है, जिथे मोया राग उत्थे मोया द्वेष। ये राग और द्वेष दोनों ही गए, क्योंकि दोनों कछे, जैसे सोनी की हस्ती माईवाल के बिना नहीं थी और माईवाल का हस्ती सोनी के बिना, ये दोनों ही दो शरीर एक जान, जैसे हम दो शरीर एक प्राण, ये देखने में दोनों थे सोनी माईवाल, लेकिन जान तो एक ही थी दोनों के अंदर। इस तरह बोलने में राग द्वेष दो है, लेकिन अगर राग है तो द्वेष है, राग नहीं तो द्वेष भी है। इफ देयर इज अट्रैक्शन रिपल्शन मस्ट बी, इफ यू रिमूव द अट्रैक्शन रिपल्शन ऑटोमेटिकली विल बी रिमूव्ड। उसके वो उसके आधार पर है। सारे बनो मेरे सजनों, ओ मेरी गीता से प्यार करने वाली देवियों, है बड़ा चोटी का लाजवाब शास्त्र है आपके भगवान का उपदेश गीता। हमारी बदकिस्मती जो इतनी उम्र होगी हमें किसी ने भगवान का ज्ञान नहीं दिया, है बड़ा चोटी का ज्ञान जो हमें स्याना बना देता है, हमें अपने मालिक के नजदीक पहुंचा देता है, हमें गद गद कर देता है, आवागमन से छुड़ा देता है। भगवान का उपदेश बहुत कमाल का उपदेश, बहुत कमाल। इसकी कीमत मेरे से पूछो, इसकी महत्ता मेरे से पूछो, कितनी इसकी महत्ता है। जैसे आपकी मां बाप की कदर आपसे पूछी जाए, आपके पति की कदर पत्नी से पूछी जाए, मित्र की कदर मित्र से पूछी जाए, गीता की कदर गीता के प्रेमी से पूछी जाए कि गीता की क्या कदर है, गीता की वैल्यू क्या है। हमारे जैसे से कोई पूछे जिन्होंने अपना सारा जीवन गीता में गुम कर दिया और गद गद हो गए हम, गद गद कर दिया गीता के ज्ञान में। एक बार आप भी शरीर छोड़ने से पहले इस ज्ञान को अपना बना लेना, बिगड़ी बन जाएगी मेरे सजनों, ओ मेरी कल्याण कामनी देवी हो। तो धीरे धीरे करके अपने राग को कम करते जाओ। अपने भगवान कह रही है, भगवान कह रहे मेरी भगवती, क्या राग द्वेष बड़ी बाधा है कल्याण में भगवान में, राग द्वेष बड़ी बाधा है कल्याण में भगवान में। तो जो मेरे हमारे भगवान का ज्ञान मिलता है, न किसी से राग रहता है न किसी से द्वेष रहता। दोनों गए तो मैं आपको बता रहा हूं, मन अंतर्मुखी हो गया। राग द्वेष ही हमारे मन को खिंच खिंच के इधर उधर ले जाता है, राग द्वेष ही हमारे मन को खिंच खिंच के इधर उधर ले जाता है। राग द्वेष गया तो बिल्कुल आप अपने आप में आ गए, बिल्कुल अपने आप में। जैसे शादी के बाद, क्षमा करना मेरी बेटी, आप गर्भवती हो जाती हो, क्यों, कोई जीव आपके पेट में आ जाता है। इसी तरह अज्ञानता में संसार से प्यार करने में, हाँ हमारा मन गर्भवती हो जाता है, अपने आप में कई कामनाएं रख लेता है। हमारी शादी के बाद बेटियां क्यों गर्भवती क्यों हो गई, कोई जीव आ गया पेट में। हाँ इसी तरह जब हम राग द्वेष करती हैं, हमारे मन में कामनाएं आ जाती हैं। सयाने व्यास जी कहती है, फिर मन गर्भवती हो गया और अपना बोझ उठाए फिरता, धक्के खाता है, वो भगवान के काबिल नहीं, गर्भवती किसी और पुरुष के काबिल नहीं, बिल्कुल गर्भवती फिर मंगनी शादी के काबिल नहीं, बिल्कुल। इस तरह वासनाओं का पुतला, कामनाओं का पुतला मेरे भगवान के काबिल नहीं जे, नहीं जे, नहीं जे। याद रखना मेरे सजनों, याद रखना मेरी कल्याण कामी देवियों, जैसे गर्भवती बेटी किसी और नर के काबिल नहीं, बिल्कुल। इस तरह वासनाओं से भरा हुआ मन हमारे भगवान के काबिल नहीं, नहीं, नहीं। अब जिसमें राग द्वेष चला गया, मन अंतर्मुखी हो गया। जैसे क्वारी, क्वारी कभी गर्भवती नहीं होती, क्वारी आजाद है, शेरनी है। इससे जिनमें राग द्वेष निकल गया, पूरी वृत्ति अपने भगवान में जोड़ देती, पूरा मन, फुल माइंड कह रहा मेरे बेटे, 100% माइंड टुवर्ड्स ऑलमाइटी लॉर्ड कृष्णा, भगवान आपकी अवस्था बनाए। एक बार तो एड़ी चोटी का जोर मारना पड़ेगा क्या राग द्वेष से छूटने के लिए। नारियों में राग द्वेष ज्यादा होता है मेरी बेटी, ओ मेरी भोली भाली मैया, नर की अपेक्षा नारी में राग द्वेष ज्यादा होता है, आपको और भी ज्यादा जान मारनी पड़ेगी। अच्छा देखना,
भगवान क्या कह रही है, जो अपने भगवान के योग्य होना चाहती हैं, कल्याण करके रहना चाहती हैं और हमेशा के लिए चांद से जाना चाहती हैं, राग द्वेष से दामन बचा लो, अट्रैक्शन रिपल्शन से अपने आप को निकाल लो मेरे सजनों, निकाल लो। आपका समय समाप्त हो गया। मालिक ने चाहा तो मैं कल इस पर फिर विस्तार करना चाहता हूं, राग द्वेष की असलियत फिर समझाना चाहता हूं, राग द्वेष से जल्दी जल्दी खलासी कैसी पाई जाए, भगवान ने इसके बारे में क्या समझाया है, इस पर भी प्रकाश डालता हुआ और विस्तार करने की जरूरत है। अभी आप जाके घर में सोच रहा खाओ पियो, जाके कुछ खाना पीना, तो ये मेहमान आए हो तो बातचीत कर लो, उसके बाद जब सोना हो तो मेरी तरह आलसी पालसी लगा के विचार करना, सिर्फ इतना ही, मेरे राग द्वेष घटते जा रहे हैं कि नहीं, इतना सोचना, इतना आप अपने पवित्र मन से पूछना। राग द्वेष दिन ब दिन कम हो रहा है, अगर कम हो रहा है तो उसके लक्षण क्या है, मन अंतर्मुखी हो रहा होगा। आज जाके जरूर देखना, फिर सो जाना, फिर आप विश्राम कर लेना, पर पहले अपना निरीक्षण कर लेना, इतना ही राग द्वेष प्रभु कृपा से कम होते जा रहे हैं। मैं ये प्रश्न बोधक चिन्ह या साइन ऑफ इंटरोगेशन लगा के भेज रहा हूं, सवाली निशानी लगा के भेज रहा हूं मेरी देवी, अपने आप से पूछो, जाके अपनी जमीर से पूछो, अपनी गुड कॉन्शियस से पूछो, राग द्वेष घटते जा रही मेरे, भगवान करे जवाब अफर्मेटिव आए, नेगेटिव जवाब ना आए, आपका पॉजिटिव जवाब आए, हाँ घटते जा रही है। और अगर कोई मेरे भैया कहता है नहीं घटते जा रहे, गीता का सत्संग सुनकर, भगवान का भजन करके भी नहीं घटते जा रहे, देखो ना क्या कारण, गौर से देखो और अपने अंतर्यामी से पूछो, क्यों मेरे राग द्वेष नहीं घटते जा रहे, इसका मतलब ये कि मैं अभी तक बार मुखी हूं, क्योंकि जब तक राग द्वेष है बार मुखी रहेंगे, और जो बार मुखी है कभी भी जाप नहीं कर सकते, कभी भगवान के काबिल नहीं हो सकते, बात मुख के लिए रब आपने महर्षि वेदव्यास जी ने कहा है, बार मुखी सदा दुखी, फिर बार मुखी होते हुए आप सत्संग में कैसे आ रही हैं, बार मुखी होते हुए आप किसके सत्संग में आती मेरी बेटी, नहीं जरूर घटते जा रही होंगे आपके, तभी सत्संग प्यारा लगता है, तभी मन खिंच के इधर आता है, जहां राग द्वेष होता है मन हमें खींच, राग में मन उधर नहीं जाता है, जो है जाको भाविता सोता ही के पास, जहां राग होता है मन जैसे मरे हुए कुत्ते को हरिजन खींच के जंगलों में ले जाती हैं जमीन में दबाने के लिए, इतने राग हमें मरे हुए कुत्ते की तरह खींच के वही ले जाता है जो हमें जगह प्यारी लगती है, रूप प्यारे लगती है या कोई स्थान प्यारे लगती है, जिनके साथ हमारे लव अफेयर चलती है, हम हमारा राग हमें खींच के उनके पास ले जाता। आहा वाह वाह, ध्यान देना, आज रात को सोच लेना, सोचना और अंतर्यामी से प्रार्थना करना, दाता मैं तो इसी जन्म में कल्याण कर जाना चाहती हूँ, मैं तो इसी जन्म में अपना कल्याण चाहता हूँ, मेरे अंतर्यामी मेरे राग द्वेष को घटा दो, जरूर कह के सो जाना, जरूर ये प्रार्थना करके मेरी मैया मेरी अच्छी बेटी विश्राम करना, मेरे राग द्वेष घटा, सबकी सुनने वाले परम पिता मेरी भी सुन, दिन बदन मेरे राग द्वेष बंद हो जाए, जैसे आज आपने 51 श्लोक में प्रसंग चलाया है, मेरे भी राग द्वेष कम कर दे, सबकी सुनने वाले श्याम सुंदर मेरी भी सुन, गिर गिराना अपने अंतर्यामी से, गिर गिराना दाता, हर धर्म स्थान में आपके लिए यही बार बार कहा जाता है, आप अपने शब्दों की लाज रखो, श्याम सुंदर दया के समुंदर, श्याम सुंदर दया के समुंदर, ओ बेटी श्याम सुंदर दया के समुंदर, हार्दिक धन्यवाद, हार्दिक आशीर्वाद। अब अपनी शहनशाह की आज आरती बड़े प्रेम और श्रद्धा से उतारे, दास जनों के अवगुण का
संत सभी संतो ने सभी भद्रान पश्यंतु माता जी दुर्भाग बने हरिओम शांति 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 ओम प्रभु स्त्री भगवान कृष्ण की गुरु भगवान कृष्ण महाराज की सफल करना इस देव हार्दिक धन्यवाद।